सेन बोल्ट अपनी फराटेदार दौड़ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें दौड़ने वाला व्यक्ति उसेन बोल्ट से भी तेज भाग रहा है। इस वीडियो में रातों रात इंटरनेट पर खलबली मचा दी है। दरअसल यह वायरल वीडियो कर्नाटक का है और वीडियो में भैंस के साथ दौड़ रहे पुरुष का नाम श्रीनिवास गौड़ा है, जो कि 28 साल के हैं। उसेन बोल्ट से भी तेज भागने का दावा पारंपरिक खेल कम्बाला में किया गया है। बता दें कि इस खेल में लोग भैंस के साथ धान के खेतों में 142 मीटर की दौड़ लगाते हैं और श्रीनिवास गौड़ा के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने 13.42 सेकंड में 142 मीटर की दौड़ पूरी की है, जबकि बोल्ट ने 9.58 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इस दौड़ के बाद श्रीनिवास गौड़ा ने कहा है कि मैं कम्बाला से प्यार करता हूँ, मेरी सफलता का श्रेय मेरी दो भैंसों को भी जाना चाहिए। आपको बता दें कि कुछ साल पहले एनिमल राइट्स की रक्षा करने वाले कुछ संगठनों के कारण इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन सरकार ने कुछ समय बाद एक विशेष कानून पारित कर इस बैन को हटा दिया। पारंपरिक खेल कम्बाला कर्नाटक में बहुत प्रसिद्ध है और इसकी पुरस्कार राशि लाखों में होती है। तो दोस्तों, अब जबकि इस वीडियो को बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उसेन बोल्ट को टैग कर रहे हैं, तो देखना होगा कि उसेन बोल्ट इस पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं। उसेन बोल्ट कुछ बोलेंगे या नहीं यह तो पता नहीं, पर आप देश दुनिया की सारी खबरों और वायरल वीडियोस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल चकाचक एक्सप्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें।